हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, मैं हूँ शिवानी और आप देख रहे हैं न्यूज़वेल इंडिया का मसालेदार प्रोग्राम बॉलीवुड गपशप। और वक्त हो गया है बॉलीवुड की ताजा चटपटी और मसालेदार खबरों से रूबरू होने का। तो देर किस बात की, चलिए करते हैं शुरुआत बॉलीवुड की खास खबरों के साथ। प्यार और मोहब्बत में जब मिलते हैं दो लोगों के ख्यालात, जी हाँ, प्यार और मोहब्बत में जब मिलते हैं दो लोगों के ख्यालात तो वो हो जाता है ना एकदम रॉकिंग। लेकिन कुछ दिनों बाद ना मिल जाए इनके ख्यालात तो हो जाता है ना एकदम शॉकिंग। तो चलिए डालते हैं नजर एकदम रॉकिंग और शॉकिंग खबरों पर। अपना टाइम आएगा, देखिए ये फ्रेज कहने में बड़ा अच्छा लगता है, वैसे भी ये पॉजिटिव वाला फ्रेज है, लेकिन समझ नहीं आता ना कि अपना टाइम कैसे आएगा। अब आप सीरियल अपना टाइम आएगा को ही देख लीजिए। अब इसमें टेक्निकली देखा जाए तो रानी का टाइम आ गया, कि वो नौकरानी से अब रानी बन गई है, लेकिन सासू माँ के नॉनस्टॉप ताने जो है ना वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। रानी माँ तो यही चाहती हैं कि बस उन्हें मौका मिले रानी को नौकरानी बोलने का। सो लीजिए, अब मौका मिला तो रानी माँ ने अपनी नौकरानी से रानी की तुलना कर दी। अब रानी माँ अपनी बेटी के पग फेरे की रस्म को लेकर काफी एक्साइटेड है, वहीं दूसरी ओर वीर को तो कुछ भी नहीं पड़ी है अपनी बहन के लिए। रानी को तो वो वैसे भी जिम्मेदारी नहीं देंगी, क्योंकि नंदिनी की शादी में जो हुआ उससे रानी माँ बहुत परेशान है। बस इसलिए तो अब वो वीर से यही कह रही हैं कि पगफेरे की रस्म के लिए तुम्हें आना चाहिए। लेकिन वीर तो नाराज है, वो जानता है कि नंदिनी के गलत कदम उठाया है और रानी माँ ने इससे उसका साथ दिया है। तो फिलहाल एक भाई अपनी बहन के पगफेरे में नहीं जाएगा, यानी कि जितना आसान लगता था उतना है नहीं। वीर को वाकई में बड़ा धक्का लगा है नंदिनी और जयसिंह की शादी से। गुम है किसी के प्यार में, यहाँ सई का बर्थडे ना हो गया भैया, कोई ड्रामा हो गया, मतलब ड्रामा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। पहले तो पाखी और सई की तनातनी और अब सई के फ्रेंड्स आ गए हैं, जी हाँ, केक कटिंग सेरेमनी का हिस्सा बनने। और विराट इज जस्ट नॉट हैप्पी। अरे विराट, आज सई का बर्थडे है, एंजॉय करने दीजिए उसे, क्यों जल रहे हैं आप फ्री में। टीवी सीरियल गुम है किसी के प्यार में, जैसा कि आपने देखा कि सई इस बात से काफी नाराज है कि विराट और घरवाले उसका बर्थडे भूल गए हैं, और इस काम में विराट भी उसे परेशान करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ता। अब इस बात पर सई अपने बाबा को याद करके बहुत दुखी हो जाती है। अब जैसा कि विराट सई के बर्थडे की तैयारियां पूरे धूमधाम से कर रहे हैं, और तो और विराट ने सई के बर्थडे पर देवी को भी अपने घर बुलाया है। जरा देखिए कैसे सई के आने वाले से पहले घर पर सब सज धज कर तैयार हो गए हैं, और विराट ने घर में सभी से सई से अच्छे से ट्रीट करने के लिए भी कहा है। अब घर में पार्टी का माहौल चल रहा है और ऐसे में सई को जबरदस्त सरप्राइज मिलने वाला है, क्योंकि भाई ये तो सच में अनएक्सपेक्टेड है। अब सही बर्थडे पर सब कुछ ठीक कैसे चल सकता है, और वो भी पाखी के रहते हुए। बस फिर क्या, पाखी ने कर दिया सरदर्द का बहाना और फिर पार्टी में आने से मना कर दिया, और अब इस बात पर शिवानी ने उसे झूठा कह दिया, और इसकी वजह से बाकी जो घरवाले हैं वो सब मिलकर शिवानी को खरी खोटी सुनाने लगे। लेकिन विराट को ये बिल्कुल गवारा नहीं कि उसकी सई का बर्थडे सरप्राइज बिल्कुल भी खराब हो। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। आज के बाद हम दोनों कभी नहीं मिलेंगे, मतलब आप और हम तो मिलते ही रहेंगे, हम क्यों नहीं मिलेंगे भला, क्योंकि हमारी जिंदगी आगे नहीं बढ़ती आपसे मिले बिना। जी हाँ, लेकिन 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 कुछ ऐसा ड्रामा हो रहा है, ये है चाहते में, जहाँ प्रीशा और रुद्राक्ष की आखिरी मुलाकात हो रही है। लेकिन हाँ, आप चिंता मत कीजिए, अगर हीरो और हीरोइन आखिरी बार मिलेंगे तो कहानी आगे कैसे बढ़ेगी। लेकिन फॉर द मोमेंट अरे भूल जाइए और बस इनके जुदाई के दर्द को फील कीजिए। रूद और प्रशा की ये आखिरी मुलाकात है। अब ये सुनकर जब दर्शकों को बुरा लग रहा होगा तो सोचिए इन्हें कितना बुरा लग रहा होगा। अब जब शरांश इस दुनिया में नहीं रहा तो हम कैसे साथ रह सकते हैं। आखिरी बार प्रीशा और रुद्र एक दूसरे से मिलने आए हैं, हालांकि रुद्र ने बहुत कोशिश की प्रीशा को मनाने की और ये बात समझाने की कि भले ही शरांश नहीं है लेकिन हम दोनों तो साथ रह ही सकते हैं,
क्योंकि सरांश भी तो यही चाहता था ना। अब प्रीशा के सामने कोई वजह नहीं बचा। माना कि वो रुद्र से बहुत प्यार करती है, लेकिन उसे अपने आगे जिंदगी अरमान के साथ बितानी है। खैर, ये तो सीक्वेंस तो बहुत ही दुख भरा है। अब आगे देखना होगा कि अब रुद्र और देविका की शादी होगी तो उस पल को प्रीशा अपनी आंखों से कैसे देख पाएगी। अब ऐसे में कोई भी पत्नी अपने पति को किसी और का होता नहीं देख सकती है। एक तो बरसात का मौसम और ऊपर से अगर प्यार की बरसात हो जाए और वो भी फैंस की, तो कितना मजा आ जाए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सीरियल एक दूजे के वास्ते के अनोखी और शौर्य की, जो फैंस के बेपनाह प्यार की बरसात में जम कर मजे ले रहे हैं। वो कहते हैं ना, जब दिल लगाकर काम करो और उस काम के लिए आपको ढेर सारा प्यार और तारीफ मिले तो भाई सोने पे सुहागा। कुछ ऐसा ही हुआ शौर्य और अनोखी के साथ। आइए देखते हैं ये खुशियों की एक झलक। शौर्य और अनोखी का प्यार दीवाना है और बस यही कारण है कि फैंस अपना ढेर सारा प्यार अपने चहेते स्टार्स पर लुटाते रहते हैं। अब अनोखी के सच पर ही देख लीजिए, फैंस अपने प्यार के नजराने के तौर पर तोहफे में भेजे हैं और वो भी अपने शौर्य और अनोखी के लिए, जिसे देखकर दोनों लवली कपल्स ने फैंस को ढेर सारा प्यार और धन्यवाद दिया। वास्तव में फैंस का यही प्यार और सपोर्ट स्टार्स को अच्छा काम करने के लिए मजबूर करता है, ताकि वो अपने फैंस का बेशुमार प्यार पाते रहें। टीवी की दुनिया का सबसे एंटरटेनिंग और पॉपुलर शोज में से एक द कपिल शर्मा शो अब फिर से दस्तक देने जा रहा है। जी हाँ, फैंस काफी टाइम से इसके ऑन एयर होने की बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और अब ऐसा लग रहा है कि फैंस का ये लंबा इंतजार खत्म होने जा रहा है, क्योंकि लेटेस्ट रिपोर्ट्स में इस बात की डिटेल सामने आई है कि आखिर कपिल शर्मा का ये सुपरहिट शो फिर से कब दर्शकों का मनोरंजन करता नजर आएगा। बता दें कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने जैसे पांव फैलाने शुरू किए, वैसे ही शो को ऑफ एयर कर दिया गया था और इधर कपिल शर्मा की दूसरी बार पप्पा बन गए थे। और कपिल अपनी पर्सनल लाइफ में काफी बिजी थे। रिपोर्ट्स की माने तो द कपिल शर्मा शो एक बार फिर से लोगों को लोटपोट कर हंसने को मजबूर करता नजर आएगा। ये कॉमेडी शो 21 अगस्त 2021 को ऑन एयर होगा। बता दें कि पहले ऐसा माना जा रहा था कि ये शो 25 जुलाई को टेलीकास्ट होगा, लेकिन बाद में इसे पोस्टपोन कर दिया गया और ये नई रिलीज डेट रखी गई। अब ऐसा माना जा रहा है कि कपिल शर्मा के साथ शो की बाकी टीम भी जल्द ही जुड़ जाएगी। वैसे कपिल शर्मा शो में कपिल के अलावा कृष्णा, सुमोना चक्रवर्ती, भारती सिंह, कीकू शारदा और चंदन प्रभाकर नजर आते हैं और ये अपनी जबरदस्त कॉमिक टाइमिंग से फैंस को खूब हंसाते हैं। वहीं शो में अर्चना पूरन सिंह स्पेशल भूमिका में नजर आती हैं। फिलहाल एक्ट्रेस को लेकर ऐसी अफवाहें थी कि उन्होंने कपिल शर्मा का शो छोड़ दिया है, लेकिन उन्होंने एक इंटरव्यू में इस खबर को बेसलेस बताया और कहा कि वो शो के अपकमिंग सीजन का हिस्सा होंगी। बता दें कि कपिल शर्मा ने पैटर्निटी ब्रेक की अनाउंसमेंट भी की थी और कपिल ने कहा था कि उन्हें इस समय अपने घर में अपनी पत्नी के साथ रहना है और अपने दूसरे बच्चे के स्वागत की तैयारी भी करनी है। बता दें कि एक्टर की वाइफ ने एक बेटे को जन्म दिया है जिसका नाम त्रिशान रखा गया है। इसके अलावा उनकी एक क्यूट सी बेटी भी है जिनका नाम अनायरा शर्मा है। वैसे कपिल शर्मा की फैमिली के साथ अक्सर क्यूट फोटोज भी वायरल होते रहती हैं। बॉलीवुड में प्लास्टिक सर्जरी कोई नई बात नहीं है। कई एक्ट्रेस ने खुद को खूबसूरत दिखाने के लिए इसका सहारा लिया है। अब इस लिस्ट में साउथ की सुपरस्टार कमल हसन और सारिका की बेटी एक्ट्रेस श्रुति हसन का भी नाम जुड़ गया है। अब श्रुति भी इस फेज से गुजर चुकी हैं। अब हाल ही में उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर इस बात को एक्सेप्ट किया। श्रुति ने कहा कि वो ना तो इसकी वकालत में है और ना ही इसके खिलाफ में है। श्रुति ने इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सर्जरी के बाद श्रुति कितना बदल गई हैं।
साथ ही श्रुति ने अपनी तस्वीरों को शेयर करते हुए एक लंबा नोट लिखा। उन्होंने कहा कि मैं लोगों की राय से प्रेरित नहीं होती, लेकिन लगातार बॉडी शेमिंग वाले कमेंट से परहेज करना चाहिए। ये दो तस्वीरें 3 दिनों के अंदर ली गई है। आपको बता दें कि श्रुति ने बॉलीवुड में डेब्यू किया था, जिसमें 2 खास नजर में वो आई थी। फिर 2 साल के बाद यूजर्स के साथ फिल्म में दिखी, जिसमें पहले से वो कहीं ज्यादा खूबसूरत दिख रही थी। उस समय कहा गया कि श्रुति ने अपने नाक की सर्जरी कराई है ताकि वो AR मुर्दागंज के लिए गाना गा सके। बॉलीवुड और साउथ इंडियन सिनेमा में अपनी पहचान बनाने वाली ब्रिटिश की फेम एमी जैक्सन फैंस को दीवाना बनाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। जी हाँ, एक बार फिर से एमी हर तरफ छा गई हैं। जब एमी फ्रांस में कैंस फिल्म फेस्टिवल में पहुंची तो रेड कारपेट पर उनका जलवा हर कोई बस देखता ही रह गया। मरून बॉल गाउन में रेड कारपेट पर शिरकत करने पहुंची एमी का लुक किसी परी से कम नहीं लग रहा था। अब भले ही इस साल बॉलीवुड एक्ट्रेस कांस फिल्म फेस्टिवल में अपना जलवा नहीं बिखेर पाई, लेकिन ब्रिटिश एक्ट्रेस जेमी जैक्सन ने अपना जलवा कांस में खूब अच्छे से दिखाया है। 74वें कांस में फिल्म द स्टोरी ऑफ माय वाइफ के प्रीमियर पर एमी जैक्सन ने मरून बॉल गाउन में पहनकर पहुंची तो देखने वाले की नजरें उनसे हट नहीं पाई। एमी का ये गाउन एक कोचर गाउन है जो उन्हें एक क्लीन लुक दे रहा है। साथ ही एमी ने गाउन के चारों तरफ माइक्रो रफल डेटिंग है जो उनके लुक को और खास बना रही है। इस गाउन के एक ट्रोल है, एक बड़ी फ्लॉन्सी स्कर्ट और ऑफ शोल्डर स्टाइलिश है जो कि एमी के लुक को और स्टाइलिश बना रहा है। एमी ने रेड कारपेट के लिए इस आउटफिट को चुनकर अपना ग्लैमरस अंदाज दिखा दिया। रेड कारपेट के अपने इस स्टनिंग लुक को पूरा करने के लिए रेड नेल पॉलिश और रेड लिपस्टिक के साथ आईलाइनर लगाया हुआ था। और अगर बात करें हेयर स्टाइल की तो एमी ने बालों के बीच से पार्टीशन निकाली थी और इसके साथ ही एमी ने पॉनीटेल भी किया हुआ था। टीवी क्वीन एकता कपूर के प्रोडक्शन बैनर बालाजी टेलीफिल्म्स को 25 साल हो गए और इन 25 सालों में इस बैनर ने कई अनजाने चेहरे को किस्मत बनाई है। जी हाँ, एकता ने उन सभी पॉपुलर एक्ट्रेस को एक दमदार एक्ट्रेस बनाया जो कि स्टारडम हासिल करने का सुनहरा मौका दिया, जिसके लिए किसी ने बस इमेजिन ही किया होगा। बालाजी टेलीफिल्म्स के इन शोज में निभाए गए किरदारों की बदौलत आज इन एक्ट्रेस ने शोहरत की बुलंदियों को छुआ है। सालों बाद भी ये कलाकार अपने उसी एक खास रोल के लिए जाने जाते हैं। जानते हैं उन एक्ट्रेस के बारे में जिन्होंने एकता कपूर के शो से पहचान दिलाई है। इस लिस्ट में श्वेता तिवारी का नाम भी शामिल है। कसौटी जिंदगी की प्रेरणा यानी श्वेता तिवारी को कौन नहीं जानता। अनुराग बासु और मिस्टर बजाज के साथ उनकी प्रेम कहानी का ट्रैक खूब चला था। बता दें कि कसौटी 2 भी टेलीकास्ट हो चुका है, लेकिन श्वेता तिवारी जैसी छाप एरिका नहीं छोड़ पाई। वही दूसरे नंबर पर आती हैं अंकिता लोखंडे। अंकिता लोखंडे ने सीरियल पवित्र रिश्ता में अर्चना देशमुख का किरदार निभाया था। ये उनका डेब्यू सीरियल था। इसी सीरियल की वजह से अंकिता को नेम और फेम मिला। आज अंकिता को लोग अर्चना के रूप में ही जानते हैं। बता दें कि अंकिता जल्द ही पवित्र रिश्ता 2 में नजर आने वाली हैं। साथ ही स्मृति ईरानी भी इस लिस्ट में शामिल हैं। स्मृति ईरानी एक दौर में टीवी का बड़ा नाम रही हैं। आज चाहे उन्होंने राजनीति में एंट्री ले ली हो, लेकिन स्मृति को क्योंकि सास भी कभी बहू थी कि तुलसी के रोल में आज भी याद किया जाता है। इस एक शो ने स्मृति ईरानी को शोहरत दिलाई। सालों तक स्मृति ईरानी शो के साथ जुड़ी रही थी। मौनी रॉय भी इन एक्ट्रेसेस में से एक हैं। मौनी रॉय ने यूं तो अपने करियर की शुरुआत एकता के शो क्योंकि सास भी कभी बहुत से की थी, उन्होंने कृष्णा तुलसी का रोल किया था। लेकिन वो एक रोल जो एक कलाकार की जिंदगी बदल देता है वो ये नहीं था। मौनी ने साल 2015 में सीरियल नागिन किया। बस ये वो शो बना जो मौनी रॉय को बुलंदियों तक ले गया। आज मौनी रॉय बॉलीवुड फिल्मों में नजर आ रही हैं। वहीं प्राची देसाई सीरियल कसम से में बानी का रोल किया करती थी। अपने से कम उम्र में बड़े राम कपूर संग प्राची देसाई की बेमेल जोड़ी ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। बानी के रोल में प्राची घर घर में पॉपुलर हो गई। बानी टीवी के बाद फिल्मों का रुख कर चुकी है।
डांस और खूबसूरती के अलावा अगर नूरा फतेही को किसी बात के लिए सबसे ज्यादा चर्चाओं में जाना जाता है तो वो उनका बेहतरीन और शानदार स्टाइल है। नूरा का स्टाइल हमेशा सुर्खियां बटोरता है और चर्चाओं में बना रहता है। बस देर होती है नूरा के घर से निकलने की और नूरा घर से निकलते ही छा जाती है। नूरा फतेही एक बार फिर से अपने उसी स्टाइल को लेकर खबरों में है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी शानदार तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें वो वाकई बेहद खूबसूरत लग रही हैं। ब्लू लेदर आउटफिट, खुले बाल, व्हाइट राउंड इयररिंग्स, रेड डार्क लिपस्टिक, नूरा का ये स्टाइल देखकर फैंस फिदा हो गए हैं। नूरा ने इस फोटोशूट के लिए काफी स्टाइलिश पोज भी दिए हैं, जिनमें वो बेहद ही स्टनिंग लग रही हैं। इस ड्रेस में सामने आते ही इसका मार्केट प्राइस भी सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा है। बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ये ड्रेस आपको 24,000 तक में मिल सकती है, यानी कि नूरा की ये स्टाइलिश ड्रेस काफी किफायती कीमतों पर आपकी हो सकती है। वैसे इन दिनों एक बार फिर नूरा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हो गई हैं। दो दिन पहले ही नूरा की इन तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया था। वो ऑल इन व्हाइट नहीं बल्कि ऑल इन ब्लैक एंड व्हाइट शेड में नजर आई थी और उनका ये स्टाइल भी फैंस को खूब पसंद आया। अब अगर नूरा फतेही के वर्किंग प्रोजेक्ट्स की बात करें तो अब डांसिंग के साथ साथ नूरा एक्टिंग के भी जलवे देखने को मिल रहे हैं। नूरा अजय देवगन, सोनाक्षी सिन्हा और संजय दत्त स्टारर भुज द प्राइड ऑफ इंडिया में नजर आएंगी, जिसमें वो एक सीक्रेट एजेंट की भूमिका में नजर आएंगी। फिल्म में नूरा का पहला लुक भी रिवील कर दिया गया है। देखिए, अगर अभी तक आपने फरहान अख्तर की तूफान नहीं देखी है और इस वीकेंड के लिए सेव कर रहे हैं तो आई एम श्योर कि आप जानना तो जरूर चाह रहे होंगे कि आखिर फिल्म की कहानी कितनी इंटरेस्टिंग है। तो आइए देखते हैं। गरीबी, स्टाइल, ट्रेनिंग और फिर एक चैंपियन, कोई भी बॉलीवुड स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म उठा लीजिए, 2 घंटे में आपको इंटरनेशनल का बेहतरीन खिलाड़ी तैयार मिल जाएगा। ये एक सेट फॉर्मूला है जिस पर कई सालों से बॉलीवुड चल रहा है। अब राकेश ओम प्रकाश मेहरा का भी एक बड़ा तूफान लाए हैं। बॉक्सिंग की पहली कहानी और फरहान अख्तर का ये कास्ट, फिल्म को लेकर जितना विवाद रहा है शायद रिलीज होने से पहले ही नॉकआउट हो जाती है, लेकिन ये तूफान अब अमेज़न प्राइम पर चल पड़ा है। सही मायनों में तूफान है या सिर्फ एक हवा का झोंका, ये हम बता देते हैं आपको। फरहान अख्तर और राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने 2013 में भाग मिल्खा भाग लेकर आए थे। फरहान अख्तर की मेहनत और राकेश ओम प्रकाश मेहरा के विजन ने दर्शकों का दिल जीत लिया था, लेकिन फरहान अख्तर के एथलीट बनने के लिए कई मेहनत सुर्खियों में रही थी। अब फरहान अख्तर और राकेश ओम प्रकाश मेहरा की जोड़ी OTT पर लौटी है और इस बार भी फिल्म खेलों को लेकर ही है। फरहान अख्तर ने तूफान में एक बॉक्सर का किरदार निभाया है और इसे भी उन्होंने पूरी शिद्दत के साथ किया है, लेकिन OTT पर रिलीज हो रही फिल्म वाली एक कमजोरी तूफान में नजर आती है। फिल्म खिंची हुई लगती है और इसकी कसावट भरी एडिटिंग भी होती है। फिल्म ज्यादा मारक नहीं हो सकती है। तूफान की कहानी फरहान अख्तर उर्फ अजीज अली की होती है। डोंगरी इलाके में पला बड़ा अजीज अली का काम वसूली करना होता है। वो दूसरे को डरा धमकाने को असली ताकत समझता है और भाईगिरी को ही टशन समझता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि लोग उससे डरते हैं, उसकी इज्जत नहीं करते हैं। फिर कुछ ऐसा होता है कि वो बॉक्सर बनने की ठान लेता है। इस तरह एक समय ऐसा आता है कि वो चैंपियन बन जाता है और मृणाल ठाकुर फरहान के साथ नजर आती हैं। कुल मिलाकर ये एक इंस्पायरिंग कहानी है, लेकिन कमजोर एडिटिंग की वजह से फिल्म बहुत ही खिंची हुई लगती है। वैसे अगर फिल्म की ड्यूरेशन लगभग आधे घंटे कम होती तो मजा ही आ जाता। फरहान अख्तर को किसी भी किरदार में ढलना बहुत अच्छे से आता है। वो किरदार में उतरने के लिए किसी भी हद तक गुजर सकते हैं और मिल्खा सिंह के बाद उन्होंने तूफान में भी इस बात को प्रूफ कर दिया है। इस तरह एक्टिंग के मामले में वो अव्वल है। परेश रावल ने भी बॉक्सिंग कोच के रूप में अच्छा काम किया है और फिर मृणाल ठाकुर ने भी बखूबी अपने किरदार को निभाया है। इस तरह इस वीकेंड खेल से जुड़े रोमांच को देखना है तो अमेज़न प्राइम वीडियो पर तूफान परफेक्ट एंटरटेनमेंट है।
बॉलीवुड गपशप में फिलहाल के लिए इतना ही। बॉलीवुड और टीवी से जुड़े बिग न्यूज हो या स्टार्स की लाइफस्टाइल, फिल्म इंडस्ट्री और टीवी की गॉसिप हो या कंट्रोवर्सी, हर खबर मिलेगी बॉलीवुड गपशप पर। तो फिर धमाकेदार एंटरटेनमेंट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज वर्ल्ड इंडिया। भाइयों, जितनी अच्छी से मेरी बहनें मेरे अपने माँ बाप की